दोस्तों, अगर आप गैलरी में आपके जो भी फोटो है, वीडियो है, कुछ भी आपने जो पोस्ट करके, जैसे आपके गैलरी में सेव था, वो डिलीट हो चुका है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं उसको, आपको फिर से रिकवर करना चाहते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट तरीका बताएंगे कि दोस्तों आप बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के डाउनलोड किए हुए बगैर आप अपने मोबाइल में अपने अपने जो गैलरी के अपने जो भी फोटो डिलीट हुआ है उसको रिकवर कर सकते हैं। कैसे करना है सब कुछ A to Z आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब आप अपना यहाँ पे गैलरी जब ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पे दो सेक्शन देखने को मिलेंगे। एक तो आपको यहाँ पे फोटोज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, और यहीं पे आपको एल्बम्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आपको, जैसे अगर कोई चीज भी आपका डिलीट हो चुका है, जैसे फोटो है, वीडियो है, कुछ भी आपको जो आपके इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सारी डिलीट हो गई हैं, तो उसको रिकवर करने के लिए दोस्तों आपको एल्बम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद से दोस्तों आप नीचे के ऑप्शन में देखेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा डिलीटेड आइटम्स, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक वीडियो था, ये हमारा वीडियो डिलीट हो चुका था, और यहाँ पे जो फोटोज थे, और सर जैसे कि अगर आपके भी मोबाइल में अगर डिलीट हो चुके होंगे, तो आपको यहाँ पे यहीं पे आपको देखने को मिलेंगे। अगर दोस्तों अगर जैसे इसको आप चाहते हैं कि फिर से आपके मोबाइल गैलरी में आपके वापस आ जाए, यानी आपका डिलीट ना हो, तो इस पर आपको यहाँ पे दोस्तों जैसे कि इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद से दोस्तों आपको यहाँ पे जो देख सकते हैं, एक डिलीट का बटन देखने को मिलेगा, और एक ही आपको रिस्टोर का बटन देखने को मिलेगा। इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, तो आपके जो फोटो जो भी वीडियो है और जो भी आपका जो फोटो वगैरह है, वो सब रिस्टोर हो जाएगा, यानी जहाँ पे आपका डिलीट हुआ था वहाँ पे जाके फिर से आपके एक्टिवेट मतलब आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, तो आपका डेटा आपका जो है वहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा। बाय द वे दोस्तों, अगर आपका ज़्यादा एक से ज़्यादा अगर फोटो है या वीडियो है अगर डिलीट हो चुका है, तो उसको सेलेक्ट करने के लिए दोस्तों इस पर लॉन्ग प्रेस क्लिक करेंगे। उसके बाद से दोस्तों आपके यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, बारी बारी से इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से फिर से आप इस पर दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे, तो आपका जो डेटा डिलीट हो चुका है वो आपका यहाँ पे गैलरी में आकर आपका फिर से आपका वहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे रिस्टोर हो जाएगा। रिस्टोर के बटन पर दोस्तों क्लिक करके आपको दिखा दें, यहाँ पे रिस्टोर हो चुका है। अब यहाँ से दोस्तों जो भी था आपका यहाँ हट गया है। अब डिलीटेड आइटम्स में आप दोस्तों देख सकते हैं, कोई भी एक भी आइटम देखने को नहीं मिला है। लेकिन दोस्तों आपने जो अपना बैकअप किया है, यानी अपना फिर से अपना जो अपना आइटम मंगाया है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, जो आइटम हमारे डिलीट हो चुके थे। वैसे हाल ही में मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट के टाइम पर मैं ये वाला वीडियो आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए हमारा डिलीट हो चुका है, और डिलीट होने के बाद हमने डिलीट कर दिया, अब यहाँ से हट गया, आपको गैलरी से हट गया। लेकिन दोस्तों आपके यहाँ पे एल्बम वाले ऑप्शन में देखेंगे, तो आपको यहाँ पे डिलीटेड आइटम से आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से रिस्टोर के बटन पे क्लिक कर देना है। रिस्टोर के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे, तो प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद से दोस्तों आपके फोटोज़ वाले सेक्शन में आपको दोस्तों देख सकते हैं कि फिर से आप वहीं पे आपको जो देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये जैसे अगर जैसे जहाँ से आपका डिलीट हुआ रहता है, जैसे मान लीजिए यहाँ वीडियो में आपने यहाँ कहीं से डिलीट करके रखा है, डिलीट कर दिया है, तो वह आपको जब रिस्टोर करेंगे तो यहीं पर आपको दिखेगा, ना कि ऊपर सबसे ऊपर देखने को मिलेगा। इस नाते दोस्तों आपको यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के तौर पर आपको इसको डिलीट करके मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो एक लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।